गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रितु श्रीवास्तव क्रॉसफील्ड गर्ल्स कॉलेज से आपके कॉमर्स टीचर हूँ। बच्चों, आज हम आपको क्लास टेंथ कॉमर्स का चैप्टर नस्तीकरण यानी कि फाइलिंग की नोट्स देंगे। बच्चों, इस चैप्टर में जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया है उससे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिर्फ अंडरलाइन किए हुए सेंटेंस को ही आपको कॉपी में नोट करना है, उसके अलावा कुछ भी आपको कॉपी में नोट नहीं करना है। इसमें हमारी सबसे पहली हेडिंग है नस्तीकरण का अर्थ। नस्तीकरण के अर्थ में जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया है उसे आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आती है परिभाषाएं। परिभाषाओं में दो परिभाषा दी गई है, दोनों डेफिनेशन आपको लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों नस्तीकरण की आवश्यकता या उद्देश्य। आवश्यकता या उद्देश्य में पहला पॉइंट आएगा पत्रों व प्रलेखों की सुरक्षा, दूसरा भावी संदर्भ हेतु संभाल कर रखना, तीसरा पत्रों व दस्तावेजों की क्रमबद्धता, चौथा पत्रों को खोजने में सुविधा, पांचवा उत्तर देने में सुविधा, फिर छठा न्यायालय में प्रमाण का कार्य, सातवा सरकार को आवश्यक विवरण देना और आठवा है तुलनात्मक अध्ययन। फिर है अनुक्रमिका तैयार करना और भावी योजना बनाने में सहायक। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है आदर्श नस्तीकरण प्रणाली की विशेषताएं या आवश्यकता। आवश्यकताओं का पहला पॉइंट है सरलता, सेकंड पत्रों की सुरक्षा, थर्ड न्यूनतम स्थान, फोर्थ मितव्ययी, फिफ्थ सुगमता एवं शीघ्रता, सिक्स घटने बढ़ने की सामर्थ्य, सेवन फाइल करने की शीघ्रता और एट है उपयोगिता। बच्चों, जहाँ तक अंडरलाइन किया है सिर्फ वहीं तक आप लोग लिखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नस्तीकरण की प्रणालियाँ। प्रणालियों में चारों फाइल लिखना है आपको, लेटी फाइल, कड़ी फाइल, लटकती हुई और अनफाइल प्रणाली। फिर लेटी फाइल प्रणाली में किसे कहते हैं और कितने तरह की होती है पहले इसको लिखिएगा। उसके बाद आता है तार फाइल। तार फाइल जहाँ तक सेंटेंस को अंडरलाइन किया है वो पूरा नोट कीजिएगा। उसके बाद इसके गुण हैं, गुण में पहला है सरल, दूसरा है स्थान, तीसरा है सस्ती, फिर नेक्स्ट है अल्प समय, लोचदार और फिर नेक्स्ट है शीघ्रता। फिर इसके बाद इसके दोष लिखिएगा। दोष में भी जहाँ तक टिक किया है सिर्फ उसे ही नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है कार्डबोर्ड फाइल। फिर कार्डबोर्ड फाइल में उसके गुण, और ये उसके दोष हैं। कार्डबोर्ड फाइल के बाद नेक्स्ट आती है हमारी फोल्डर या जिल्द फाइल। फोल्डर फाइल में फिर दो है, एक टैग वाली फाइल है और दूसरी है पत्ती वाली फाइल। इसको लिखने के बाद फिर आप इसके गुण और दोष को लिखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गार्ड फाइल, यानी कि गार्ड फाइल किसे कहते हैं और उसके गुण और दोष। फिर नेक्स्ट है लोहे की सलाखों वाली फाइल। बच्चों, इसमें फाइल करने की जो विधि है उसे आप नोट मत कीजिएगा, बस जितने सेंटेंस को अंडरलाइन किया है उसे ही नोट कीजिएगा। फिर इसके गुण और दोष। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संदूकनुमा फाइल। फिर इसकी उपयोगिता उसे भी नोट कीजिएगा। फिर इस प्रणाली के गुण और दोष। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी कबूतर खाने वाली फाइल। फिर इसमें पत्रों को फाइल करने की क्या विधि है ये भी आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा।
फिर इसके हैं गुण और दोष। फिर हमारी नेक्स्ट फाइल आती है शैनन फाइल। शैनन फाइल में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? अलमारी और दराजे। फाइल करने की विधि इसमें नहीं लिखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा शैनन फाइल के गुण और दोष। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खड़ी फाइल प्रणाली। ये फाइलों को दराजों में रखने की विधि। फिर है खड़ी फाइल प्रणाली के गुण और उसके दोष। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है खड़ी फाइल तथा लेटी फाइल प्रणाली में अंतर। बच्चों, अंतर के आधार में जिस जिस पॉइंट में टिक लगा है सिर्फ आप उसे ही अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग है लटकती हुई फाइल प्रणाली। इसमें फाइल करने की विधि को नोट नहीं करना है। उसके बाद फिर आएगा लटकती हुई फाइल प्रणाली के गुण और दोष। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनफाइल प्रणालियाँ। इसमें सोच में फिल प्रणाली, खुले खानों वाली फाइल और फैलने वाली फाइल लिखना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है नस्तिकरण, कौन सी नस्तिकरण प्रणाली का चुनाव उपयुक्त रहेगा। फिर इसके बाद आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ये उसके क्वेश्चन दिए हैं बच्चों और लास्ट में इसके आंसर भी यहाँ पे ले दिए गए हैं। ये चैप्टर बच्चों आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो में आपको बच्चों कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ तक अंडरलाइन किया है, जिस जिस सेंटेंस को अंडरलाइन किया है, आपको सिर्फ उसे ही अपनी कॉपी में नोट करना है। और कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्रीवियस वीडियो में समझाया गया है, उसे देख करके आप एक बार नोट कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।